आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया था। मुझे देख के ना बहुत डर लग रही है। यहाँ पर खाना भी बांट दिया है, तो चलिए जी आप खाते हैं खाना। वैसे अगर ये सूखा नहीं होता तो व्हाइट होता है। आजा दीदी दीदी। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं दीयू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने मामा के यूट्यूब चैनल बद्री ब्लॉग्स में। तो आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 7 बजे से, और आज हम जा रहे हैं घूमने, और आपको नहीं बताऊंगी हम घूमने कहाँ जा रहे हैं करके, ये सस्पेंस रहेगा। आज के सफर में हमारे साथ आधे रास्ते से कोई और जुड़ने वाले हैं। तो आज का मौसम कुछ ऐसा हुआ है, तो आज बहुत अच्छी सी धूप खिली है। तो गाइस यहाँ पे मामा ने फूल भी रखा है, और ये नॉर्मल सा फूल नहीं है, ये है उत्तराखंड का राजकीय पुष्प मकमल। बल्कि जगह में नहीं मिलता है इसको, ना हिमालय वगैरह में जाके लेके आना पड़ता है। ऐसे ही सूख चुका है क्योंकि इसको काफी दिन हो चुके हैं टूटे हुए। वैसे अगर ये सूखा नहीं होता तो व्हाइट होता है। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं भरारी मार्केट में, तो अभी यहाँ से हमारे साथ कोई और जुड़ने वाले हैं, तो तब तक हम जाते हैं चीजी लेने मार्केट में। ये रही दीदी। हेलो दीदी। तो अभी मार्केट में ना भीड़ नहीं दिख रही है, और दिन में देखना तो इतनी सारी भीड़ हुई रहती है। तो गैस मैं इतनी सुनसानी ना भरारी में फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, क्योंकि मैं आज सुबह सुबह आई हूँ और वक्त काम होता है तो हम जल्दी नहीं आते हैं, क्योंकि जल्दी मार्केट खुली नहीं होती। तो अभी हमको घूमने जाना था इसलिए हम जल्दी आए हैं, और यहाँ पे बहुत सुनसान है। यहाँ पे हम बुबू के दुकान पे पहुँच चुके हैं। तो गैस कुछ इतनी सी चीजी तो हमने ले ली है, और अगर हमको और खाना होगा तो हम रास्ते से ले लेंगे। तो सफर में जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं ना, तो उनका भी वेट करते हैं, वो जिस समय आएंगे तो आपको भी मिला देंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया था। मैंने बोला था अगर आप इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करोगे, व्यूज लाओगे, तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगी। तो अभी मैं यही वीडियो यहाँ पे शूट कर रही हूँ। तो गाइस फाइनली हम जिसका इंतजार कर रहे थे वो लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम ना दीदी लोगों का इंतजार कर रहे थे, वो भी आ चुके हैं, और चलते हैं अपने सफर। अभी हम पहुंच चुके हैं आधे रास्ते में, और अभी हमारी लोकेशन ना यहाँ से बहुत दूर है, तो आज हम जाने वाले हैं ब्यूटी फॉल। इतना भी आपसे छुपाएंगे नहीं, तो आपको बता देती हूँ आज हम जा रहे हैं ब्यूटी फॉल, और आज हमारे साथ आ रहे हैं दीदी लोग भी, और यहाँ का मौसम भी दिखाती हूँ आपको कितना अच्छा हो रहा है। आज के सफर में ना सबकी हालत तो खराब ही हो चुकी है ज़्यादा से ज़्यादा, तो मज़े भी आ रहे हैं और हालत भी ख़राब हो रही, पर हम जाएंगे ब्यूटी फॉल, तो आपको भी दिखाऊंगी मैं वहाँ के नज़ारे। तो चलिए जी चलते हैं, सफर को आगे को बढ़ाते हैं। वैसे यहाँ से हिमालय भी दिख रहा है। अभी हम जा रहे हैं पानी भरने, यहीं पर पानी आ रहा है, तो अभी हम यहाँ पे नाश्ता भी कर लेते हैं। हम लोग घर से नाश्ता लेके आए थे, मेरी मम्मी ने ना पूरी और रोटी बना रखी थी, और हमने रास्ते से सब्जी ले ली ना। मैं हर बार मम्मी से ना ना हाँ बोलो मामा। तो अभी हम पानी लाते हैं फिर खाते हैं नाश्ता, और भूख भी बहुत लग चुकी है। तो गाइस हमने पानी भी भर लिया है, एक बोतल मेरे पास है और 2 बोतल मामू के पास, और यहाँ पे दिखा रहा है कि सामा यहाँ से 5 किलोमीटर दूर। तो अभी तो हमको यहाँ से बहुत सारा दूर जाना है, सामा से भी बहुत ज्यादा दूर। तो यहाँ पर खाना भी बांट दिया है दीदी ने, तो चलिए जी आप खाते हैं खाना। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं सामा, और यहाँ पे हम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि नमन को ना गाड़ी पे ज्यादा भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे रुके हैं। और आपको यहाँ के घर और शॉट भी दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत ही सुंदर से घर हैं, तो चलिए जी आपको भी दिखाती हूँ। तो गाइस यहाँ पे दीदी लोगों को भी कमरा मिल चुका है, तो अब वो जाएंगे कमरे में, और अब हम जाएंगे सफर में। तो गाइस जीजू दीदी और नमन तो वहीं पे रह चुके हैं, और अब हम जा रहे हैं आगे को सफर में। तो अभी पापा, मैं, दीदी और मामू पीछे से, और दीदी जीजू जा रहे हैं आगे से। तो दोस्तों ये है रामगंगा नदी, और इससे पार जो ये
है, पीछे वाला इलाका है वो UK 02 यानी बागेश्वर, और जो उसके पार आएगा ना वो है UK 05 यानी पिथौरागढ़। तो गैस यहाँ से आप ब्यूटी फॉल सिर्फ 26 किलोमीटर है। गैस अब हम भी पहुँच चुके हैं अपनी लोकेशन पे ब्यूटी फॉल पे, तो चलिए जी ऊपर को चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। यहाँ पे लिख रखा है वेलकम टू ब्यूटी फॉल, ना ब्यूटी फॉल के बारे में पूरी जानकारी दी है। गाँव के पीछे है ब्यूटी फॉल, सामने ब्यूटी फॉल है, तो यहाँ पे ना बैठने के लिए सब के लिए सुविधा है। तो ऐसे यहाँ पे ब्यूटी फॉल में ना ये आजकल नया बना है, इसे देख के ना बहुत डर लग रही है। इसका उद्घाटन नहीं हुआ है तो इसका दरवाजे नहीं खुले हैं, तो यहाँ से आना पड़ रहा है। चलो ठीक ही, अच्छा है, पर बहुत अच्छा लग रहा है नीचे देख के, पर बहुत डर लग गई। यहाँ पे रेनबो भी आए हैं और वाटर फॉल तो इतना ज़्यादा है कि आवाज़ तो बहुत ही आ रही है। तो गाइस हमने यहाँ पे ना थोड़ी बहुत रील और फोटो तो खींच दी है, तो रील मेरी देखोगे तो DU 520 में देखना, क्योंकि मैं अपने ID पे डालती हूँ रील। और अब चलते हैं वो सामने झरने के पास, उसके ज़्यादा पास तो नहीं जाएंगे क्योंकि हवा यहाँ तक बहुत तेज आ रही, तो वहाँ जाएंगे तो क्या पता उड़ सकते हैं, इसलिए बगल बगल ही जाएंगे। सभी लोग मुझे छोड़ के चले गए हैं, मिल गए। बहुत पानी आने लग गया है मुंह में, आवाज भी कम आ रही होगी क्योंकि यहाँ से पानी आ रहा है, तो हमारी आवाज ही कम आ रही होगी। तो यार मैं झरने के काफी नजदीक पहुँच चुका हूँ, एक बार और आगे को जाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ काफी पानी हवा चलते है यहाँ पे। मस्ती करने लग गए हैं, हम पूरे भीग चुके हैं और यहाँ पे पानी इतना आ रहा है ना, पूरे भीग चुके हैं। तो यहाँ पे दीदी भी भीग चुकी है। दिन के 2 बज चुके हैं और अभी हम वाटरफॉल देख के भी आ चुके हैं, तो वहाँ पे ना बहुत सारा पानी था, तो मैं वीडियो भी कम बना पाई क्योंकि ना फोन में पानी चले जा रहा था तो पूरा खराब आ जा रहा था। चुके हैं सामा और यहाँ पर करते हैं लंच, तो दोस्तों हमने लंच भी कर दिया है, अब चलते हैं यहाँ से। हम इतने छोटे से फॉल पर रुके हैं क्योंकि यहाँ पर फोटो शूट कर रहे हैं। भराड़ी पे भी पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से जाएंगे दीदी लोग घर को और हम भी अपने घर को, तो चलिए जी चलते हैं घर को क्योंकि मुझे ना बहुत थकान हो चुकी है। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं खाईबगड़ पे, तो यहाँ पे से हमारे मामा जी भी आ रहे हैं साथ में घर को, तो दोस्तों यहाँ पे मामा जी भी आ चुके हैं, मामा जी आए घर। तो चलिए जी दोस्तों फाइनली हम घर पे पहुंच चुके हैं और बहुत थकान हो चुकी है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिएगा। और जय देवभूमि जय उत्तराखंड, बाय बाय दोस्तों, अगले वीडियो में मिलती हूँ।